हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त अमीर राज। मैं आपको बताने वाला हूँ वैकेंसी बारे में जो निकल के आ रही है दोस्तों। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि कायगा के साइड से निकल के आ रही है। कायगा देख सकते हैं आप लोग, लिखी हुई है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट के अंत तक बने रहे ताकि आपको सारी डिटेल्स पता चले कि आपको इसकी प्रक्रिया क्या है और इस कब तक इसकी लास्ट डेट है और सारी सीट की ब्रेकअप क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट है, ये 2 साल के लिए है। और आपकी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए मैं इसको पोस्ट वोस्ट बताऊँगा। और इसकी जो पोस्ट है फिक्स टर्म इंजीनियर की, इसमें 11 सीटें हैं। ग्रेजुएशन मांगी है बी बी टेक सिविल में। और आपकी इसकी जो मैक्सिमम एज 35 साल बताई जा रही है फिक्स टर्म इंजीनियर मैकेनिकल की। तो इस पर जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है मैकेनिकल में 8 सीटें हैं। बी ई बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिक्स टर्म इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 4 सीटें है। इसमें ग्रेजुएशन मांगी है बी ई बी टेक बी एस सी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स के साथ, और इलेक्ट्रिकल एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी 60% मार्क्स साथ आप भर सकते हैं आप। और इसमें जो है दोस्तों फिक्स टर्म इंजीनियर आपकी सी एस आई और ई सी, इसमें जो है आपकी देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन बी टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले 60% मार्क्स के साथ भर सकते हैं। फिक्स टर्म इंजीनियर आपकी देखिए सी एस एस प्लस आई एस, इसमें तो बी बी टेक कंप्यूटर साइंस में मांगी है 60% मार्क्स के साथ, या इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग 60%, इंफॉर्मेशन साइंस और इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं 60% मार्क्स। सीट्स की देखो, सीट्स की ब्रेकअप इसमें जो है एस सी कैटेगरी की टोटल 3 सीटें हैं, एस टी की 1 सीट है, ओ बी सी की 7 है, डब्ल्यू एस की 2 है, यू आर की 13 है, पी डब्ल्यू डी की आपकी 2 है। इसकी मासिक मानदेय जो है 61,400 पर मंथ है। और इसकी देखिए पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट 2 साल की है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट 2 साल की है। और इसकी जो है आपकी, और इसमें बताने वाली बात है कि आप लोग अप्लाई कैसे करें। एकोमोडेशन देखिए, एकोमोडेशन के बारे में आप लोग धीरे धीरे पार कर रहे हो, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी। तो ये जो होगी, इन केस ऑफ अगर लार्ज नंबर में एप्लीकेशन आ जाती है तो कैंडिडेट शुड बी, देखिए शॉर्टलिस्ट की जाएगी अगर बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाती है तो, लेकिन खास करके सारे कोई को बुला लिया जाता है और ये पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। और ये तो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा और एप्लीकेबिलिटी जो रिजर्वेशन की रहेगी एस टी एस सी ओ बी सी की, जो गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्डर से उसके लिए उसके तहत एप्लीकेबल रहेगी। और इसमें जो है आपकी अप्लाई कैसे करनी है, तो npcilcareers.co.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर दें। और इसकी जो अप्लाई करने की डेट 9/7 को स्टार्ट होगी और 29/7 को ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग अप्लाई करें, डेट को ध्यान में रखते हुए काफ़ी पहले अप्लाई कर दें। और ये जो फ़ोटो वोटो की अपलोड करनी है, ये JPG फॉर्मेट में देख सकते हैं, 50 KB बताई गई है, 50 KB के मोर देन 50 KB साइज़, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों फोटोग्राफ जो की है वो आपकी वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, काफ़ी प्रिफर की जाएगी वाइट बैकग्राउंड। और सिग्नेचर जो होनी चाहिए दोस्तों वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें दोस्तों बताने वाली जो बात है, इसमें ये जो है कायगा की साइट के लिए ली जा रही है। और इसमें दोस्तों देखिए सारे कुछ तो मैं बता चाहूँ कि अप्लाई कैसे करनी है आप लोग। तो इस तरह की नोटिफिकेशन दोस्तों हमारे चैनल पे आते रहती है और सबसे पहले हमारे चैनल रोजगार अपडेट्स विद अमित सर पे दिखते रहेगी। तो इसीलिए आप लोग इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद।